अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू पाकिस्तान जॉब एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल दोस्तों नाविक बालोक यूनिवर्सिटी की जानिब से कुछ जॉब्स एडवर्टीज़मेंट हुई हैं उनकी वेबसाइट पर जो कि स्केल पाँचें से सोलह स्केल तक की हैं वो कौन सी पोस्ट हैं उन्हें कैसे अप्लाई करना है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी तो चले आज के टॉपिक को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है आलामी अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अपने वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेनी है जो कि इस तरह से होगी आपकी स्क्रीन पर यहाँ से टैब है राइट साइड पर इस पर क्लिक कीजिएगा जॉब टैब पर तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा ये लिखा हुआ है एडवर्टीज़मेंट बी पी एस फाइव टू सिक्सटीन जब आप इस पर क्लिक करेंगे जेपी जी फाइव ओपन हो जाएगी मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ वो कौन कौन सी पोस्ट हैं कैसे अप्लाई करना है क्या इन्फॉर्मेशन है तो ये देखें अलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो जॉब्स हैं उनको मैंने जूम आउट कर लिया है आप देख सकते हैं पहले नंबर पे जो पोस्ट है सोलनर स्केल के लिए डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी टी सोलर स्केल की नंबर ऑफ पोस्ट वन है ये देखें और मेरिट मेन कैंपस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई टी टेलीकॉम इंजीनियरिंग से आप ये देखें अप्लाई कर सकते हैं एज की लिमिट थर्टी थ्री ईयर्स है और सेकेंड नंबर पर जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है पंद्रह स्केंड के लिए उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है तीन और मे कैंपस में है सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री टाइपिंग स्पीड थर्टी और ये देखें आप अप्लाई कर सकते हैं थर्टी ईयर्स इसकी एज है और जिनके पास थर्टी ईयर्स थर्टी ईयर एज है वो अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अकाउंटिंग असिस्टेंट जो स्केल के लिए उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट तीन है और सेकंड क्लास बीए या बीकॉम की हो और थोड़ा एक्सपीरियंस हो अकाउंटिंग से रिलेटेड एज सेम है उसके बाद टीचर चाहिए नंबर ऑफ पोस्ट वन है मेन कैंपस में सेकंड क्लास ग्रेजुएशन प्रेफरेबल विद वन ईयर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन उसके बाद ओवरसीज ओवरसीवल नंबर पोस्ट वन है चौदह स्केल की पोस्ट है ये देखें सेम ओवर सीड से, इलेक्ट्रिक और उसके लिए भी नंबर पोस्ट वन है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चौदह स्केल है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें तीन है मेन कैंपस में बैचलर डिग्री एटलीस्ट सेकंड क्लास मिनिमम स्पीड ऑफ जो है वो दस हज़ार की डिप्रेशन पर आवर नॉलेज ऑफ आव कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम आना चाहिए उसके बाद स्टेनो उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट फोर है मेन कैंपस सेकंड क्लास इंटरमीडिएट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट और उसके बाद, keeper, उसके बाद स्टोर कीपर उसके बाद स्विग गैस टेक्नीशियन नंबर ऑफ़ पोस्ट वन है क्लर्क पैंतीस उसके लिए हैं जो जिन्होंने मैट्रिक किया हो सेकेंड उससे डिवीजन से उसके बाद टाइपिंग स्पीड थर्टी हो और आफ्टर इंक्लूडिंग थ्री वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एम ऑफिस कंडक्ट बाय नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और सिमिलर इंस्टीट्यूशन तीस साल एज रिक्वायर्ड है पैंतीस है ये और उसकी जो स्केल होगा नवा स्केल होगा रिसेप्शनिस्ट के लिए ये एक है पोस्ट और सेकेंड क्लास मैट्रिक आईटी टेक्नीशियन उसके लिए स्केल uh, नाइन है और नंबर ऑफ पोस्ट टू है इंटरमीडिएट चाहिए और उसके बाद आईटी हेल्पर उसके लिए आईसीएस इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंसेस और दो पोस्ट हैं इसके लिए आईटी हेल्पर में आईटी वर्कर नंबर ऑफ पोस्ट फाइव हैं उसके लिए और उसके बाद आ जाए मशीन ऑपरेटर के लिए नंबर पोस्ट वन है फिर गैदरिंग मशीन ऑपरेटर के लिए नंबर पोस्ट वन है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट वन है फिर उसके बाद डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर उसके लिए नंबर पोस्ट वन है जन जनरेटर ऑपरेटर नंबर ऑफ पोस्ट तीन है प्राइमरी पास होना चाहिए और उसके बाद ट्यूब वेल ऑपरेटर उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट वन है वेल्डर के लिए प्लम्बर और मैसन उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट वन है फील्ड वर्कर के लिए छः पोस्ट हैं और वो पंजाब से तीन के पी के से दो तो, और ए जे के से वन सेकेंड ग्रेजुएट क्लास ग्रेजुएट इक्वलेंट होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए तो ये हैं वो पोस्ट आपके सामने मैंने सारी दिखाई हैं इनको अप्लाई करने के लिए उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शन दे दी है कैसे अप्लाई करना है किस तरह से करना है तो ये वही रूल हैं और इसमें मेन हम बात को देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं जो आपने अप्लाई करना है ये वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई करना है उसके बाद उनकी जो फीस है पाँचवा स्केल से सोलह स्केल के लिए पाँच सौ है हर पोस्ट के लिए थ्रू चलान फॉर्म ओनली उसके बाद आपने क्या करना है आ, उनको अप्लाई करना है एन रिक्वायर्ड होगा उनके लिए जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एन रिक्वायर्ड होगा तो उन्हें लाजमी देना है और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देंगे नोट ये डी दिया जाएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन ये देखें चार चार है सितंबर चार सितंबर इसकी लास्ट डेट है और अगर आपने कोई क्वेश्चन हो तो ये रजिस्ट्रार हैं इनके फोन नंबर पे आप कॉल करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो ये था दोस्तों आज का पोस्ट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है जो कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आई है मेन कैंपस में उसके बाद अगर हम देखें ये देखें ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा रजिस्टर कर लें यहाँ पे रजिस्टर उसमें आपका सी एन आई सी चाहिए होगा ई मेल फ़ोन नंबर तो ये आपने रजिस्टर कर लेना उसके अगर रजिस्टर होने के बाद आपने लॉगिन कर देना जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से हो जाएगा ये मैंने फेक किया तो आप इसको रियल ना समझना तो ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है आपका जो चोरिज्म क्रिएटर है अप्लाई फॉर जॉब एप्लीकेशन हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल अप्लाई फॉर जॉब तो ये सारा उन्होंने दिया हुआ है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो तमाम दिए दे दी हैं तो आप चाहें तो इन पे अप्लाई कर सकते हैं वो एरर इनकम्प्लीट क्योंकि मैंने इसे कंप्लीट ही नहीं किया इस वजह से तो बहरहाल आपने इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है यहाँ से अपना तमाम इंफॉर्मेशन आपने इस पर डाल देनी है एंड देन सेव कर देना है तो इस तरह से फिर एक बार डाटा सेव हो गया तो फिर आप उन्हें अप्लाई कर देना है उसके बाद मैंने अप्लाई किया है उसमें पर्सन डिटेल एड्रेस दिया है एक्डेमिक डिटेल डाल दी है अपलोड इमेज कर दिया है ये देखें तो एक्सपीरियंस डाल देंगे ये जैसे मैंने उनको डाला है और सेव कर दिया तो जैसा आप लोगों को दिखाने के लिए जैसे मैंने एक पिक्चर डाल दी है तो ये इस तरह से आप लोगों ने अप्लाई कर देना है उसके बाद आप जैसे जैसे करते रहेंगे आपका ये अपलोड हो गया है पब्लिकेशन पे चले जाते हैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से ये एप्लीकेशन है और आपने अप्लाई कर देना है तो ये देखें आल जॉब्स पे जैसे मैं लॉगिन कर लूँगा तो आल जॉब्स आल जॉब्स के बाद ये देखें अप्लाई लिखा हुआ है कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर देता हूँ नर्सिंग के लिए तो अप्लाई और उसके बाद आपने ये इंफॉर्मेशन फ़िलअप कर देनी है बैंक नेम आपने पैसे कहाँ दिए हैं ब्रांच की इंफॉर्मेशन डाल देनी है और चलान फार्म की जो पिक्चर है वो यहाँ से इस तरह करके अपलोड कर देना है तो आपने इस तरह से करना है उसके बाद फी डिपॉजिट की डेट और अप्लाई तो ऐसी आप डालेंगे सारी तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह से आपने अप्लाई करना है उम्मीद है ये जो आज की वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर फिर भी कोई चीज़ मिसिंग रह जाए वो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाह हाफ़िज